अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज जुमे का दिन है और मैं अभी नमाज़ पढ़ने भी जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस मैं अभी नहाने जाऊँगा, नहाकर फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। 5 minutes later. तो गाइस, हियर आई एम, मैं नहा के आ चुका हूँ। ठीक है, आप चलते हैं नमाज पढ़ने। सही है, फिर ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसे चलते हैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। तो गाइस, मैं अब मस्जिद के लिए निकल चुका हूँ। ठीक है, फिर नमाज पढ़ के फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। तो गाइस, ये रही मेरी मस्जिद, मैं मस्जिद में पहुँच चुका हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। A few minutes later. तो यार, मैं अभी नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और आज 18वां रोज़ा है अल्लाह के करम से, और आज मेरा रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं हर साल सारे ही रोज़े रखता हूँ, और अभी जितने भी रोज़े हैं वो भी मैंने सारे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही है। तो यार, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने 16 व्लॉग में कि गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमने गाड़ी लेनी है, सिटी का मैंने आपको बताया था, लेकिन हमने सिटी तो नहीं ली, हमने दूसरी गाड़ी ली है। सही है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए वो है सरप्राइज़। ठीक है, एक किस्म का सरप्राइज़ है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह गाड़ी मैं आपको दिखा दूंगा, और गाड़ी का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान के एंड में मैं व्लॉग बनाऊंगा ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान के एंड में बता दूंगा, या तो ईद वाले दिन में व्लॉग बनाऊंगा तो ईद पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन गाइस, आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, तो अब ये सीन है कि मैंने आज मलेरखंड जाना है इफ्तारी के बाद, इफ्तारी करके फिर ठीक है वहाँ पर मेरे कज़न्स रहते हैं शहबाज वाले, तो उनके घर में आज इंशाल्लाह जाऊँगा और वहाँ पर तफरी वगैरह कर लेंगे, और मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा, तो क्रिकेट वगैरह भी गांव पे खेल देंगे। तो यार, अभी 3 बज रहे हैं और मैं अभी काफ़ी थका हुआ, तो अभी मैं आराम करूँगा, 2 घंटे सोऊँगा। ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह 5 बजे हम मुलाकात करते हैं, और 5 बजे जो अजान आती है ना असर वाली, फिर हम उसी टाइम मिलते हैं, उसी टाइम फिर हम मुलाकात करते हैं। ठीक है। 2 hours later. तो गाइस, 5 बज चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, असल नमाज का भी टाइम हो चुका है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। 5 minutes later. तो दोस्तों, मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, अब चलते हैं घर, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो गाइस आप देखते हैं कि इफ्तारी में क्या बन रहा है। सही है, तो गाइस आज की इफ्तारी में चिकन हांडी बनी है, और मायो रोल भी हैं, और नगेट्स भी हैं, और बाकी तो फ्रूट्स वगैरह हैं और शरबत वगैरह हैं, ये चीज़ें आज की इफ्तारी में बनी हैं। ठीक है, तो गाइस अब तो थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ इफ्तारी के बाद, इफ्तारी करके फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। तो गाइस, मैंने इफ्तारी वगैरह कर ली और मैं नमाज़ भी पढ़ के आ गया मगरिब की। ठीक है, और अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, बस अब मैं निकल रहा हूँ कैंट के लिए। ठीक है, तो यार अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अपने कज़न के घर पे। तो अभी मैं यहाँ से तो गाड़ी ड्राइव करते हुए वीडियो नहीं बना सकता, और सामने मलेरखंड पे फौजी भी बहुत सारे खड़े होते हैं, आपको पता होगा, तो इस वजह से इसे ना कोई मसला हो जाए, इस वजह से डर लगता है, हम गरीब बनते हैं यार, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस लेट्स गो, फिर वहाँ पे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो
गाइस ये देखें मैं मलिर कैंट में पहुंच चुका हूं। ठीक है आप फिर तफरी वगैरह करते हैं, सही है तो चलते हैं, मेरे कज़न के घर आ चुका हूं। तो गाइस हमने क्रिकेट वगैरह खेल ली, तो अभी हम यहाँ पे होटल पे आए हुए हैं खाना खाने। तो हमने ऑर्डर दिया है, बर्गर का ऑर्डर दिया है हमने, वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। 30 minutes later. तो यार हमारा खाना आ चुका है, तो गाइस अब बस जल्दी से खाते हैं। सो नाउ गाइस वी आर हियर एट गेमिंग एरिया, यहाँ पे हम गेमिंग खेलने आए हैं, स्नूकर है और बाकी दूसरी गेम्स हैं। ठीक है तो गाइस अभी हम स्नूकर गेम खेलने आए हुए हैं। यार ये मेरे कज़न मुझे गेम सिखाते हुए, जिंदगी में बिल्कुल भी खेलने नहीं आती, लेकिन फिर भी तफरी के लिए मैं खेल रहा था। और तो गाइस हमने काफ़ी इंजॉयमेंट कर ली, स्नूकर वगैरह खेल दी गेम, तो अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक है तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं था। ठीक है तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।